प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल श्री केदारनाथ धाम को विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए लगातार निर्माण कार्य जारी है। आपको बता दें, श्री केदारनाथ धाम यात्रा का स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते शासन और जिला प्रशासन स्तर से केदारपुरी सहित पैदल यात्रा मार्ग पर 822 किलोमीटर प्रतिदिन क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार होने जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग से सतपाल नेगी की रिपोर्ट। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 2017 में एनएमसीजी द्वारा 8 नालों को चिन्हित कर रुद्रप्रयाग में, जो कि नदी को दूषित कर रहे थे, उन नालों को टैपिंग कार्य किया गया और 6 STP के माध्यम से इनका शोधन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गोरीकुंड क्षेत्र में 4 STP का निर्माण किया जाना है, जो कि जापान बेस्ड जकासु टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें 15 टॉयलेट्स ब्लॉक के माध्यम से 10 KLD STP और जो पूर्व से वहाँ पर सुलभ शौचालय हैं, उन सुलभ शौचालयों का मल जल का निस्तारण 2 अलग अलग 6 KLD के STP बनाए जा रहे हैं और गोरीकुंड के जो मुख्य बाजार है उसमें 488 मीटर सीवर लाइन बिछाई भी जा चुकी है।